देखो बायोटेक्नोलॉजी में तुम लोगों को बताया था दो चीज है, बायोलॉजी में क्या इंसर्ट करना टेक्नोलॉजी, तो दो तरीका था। बायोलॉजी तो पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडीज, और टेक्नोलॉजी यानी इसमें टेक्नोलॉजी आप इंसर्ट करोगे। तो क्या है कि दो तरीके की टेक्निक्स थी, एक कन्वेंशनल जो कि बहुत साल से यूज करते आ रहे थे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, और एक क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल बोल दो दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल क्या करना है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ भी माइक्रोब्स का यूज किया, यूज ऑफ माइक्रोब्स, और बना दिया प्रिपेयर्ड प्रिपरेशन। तो क्या किया, क्या कहा, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। जैसे माइक्रोब्स के यूज करके कर्ड भी बना सकते हैं, माइक्रोब्स का यूज करके वाइन भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया जा रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी, वी आर परफॉर्मिंग द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बट कर्ड में, वाइन में और ब्रेड में क्या हो रहा था कि माइक्रोब्स अपना रोल प्ले कर रहा था, यानी जो वो नेचुरली करता था वही वो करते जा रहा था, कुछ नया चीज माइक्रोब्स नहीं कर रहा था, ठीक है ना। मतलब उसके हेल्प से हम लोग कुछ नया चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, वो माइक्रोब्स की नॉर्मल मैकेनिज्म है, खाना दोगे तो वो खाएगा ही ना, तो ये तीनों में कर ही क्या रहा है एग्जैक्टली। तो कर्ड में हम लोग कौन से बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, लैक्टो बैसिलस। क्या करते हैं इसमें, मिल्क लेते हैं, फिर इनोक्यूलम डालते हैं। इनोक्यूलम समझते हो क्या, इनोक्यूलम जोरन, जोरन समझते हो ना, दही में जो जोरन, दैट इज इनोक्यूलम। और यहाँ इनोक्यूलम जो हम लोग जोरन बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, स्टार्टर कह सकते हो, कौन सा स्टार्टर, बैक्टीरिया के ग्रोथ का स्टार्टर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्टर, ठीक है। तो क्या किया, मिल्क लिया, मिल्क दही डाल दिया, कर्ड जो इनोक्यूलम है छोड़ दिया। अच्छा एक और बात, क्या मिल्क ठंडे मिल्क में कर्ड बन जाएगा, कैसा चाहिए, वार्म बॉइल्ड में बन जाएगा, बॉइल्ड मिल्क कर लो और उसमें कर्ड डाल दोगे बन जाएगा, क्यों ऐसा होता है। हाँ तो यानी सब ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने का एक ऑप्टिमल कंडीशन होता है, अगर वो ऑप्टिमल कंडीशन आप दोगे तो ग्रोथ होगी, नहीं दोगे तो नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना, और आपका कट बन जाता है। कैसे, बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट करने के बाद कोगुलेट टाइप का मटेरियल को प्रोड्यूस कर देता है, दैट इज योर कट। वाइन, वाइन में क्या यूज करते हो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सैक्रोमाइसिस, सेरे, स्पेलिंग सही है, सेरेवीसी, ये क्या है, बैक्टीरिया है क्या, कीस्ट है, ईस्ट। ईस्ट किस ग्रुप में रखते हो, ईस्ट है, थोड़ा सा ईस्ट के बारे में बताओ मुझे, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, हाँ बताओ बताओ, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, यूकैरियोट। सो दिस इज ईस्ट, किस किंगडम के अंदर रखते हो, फंजाई किंगडम, फंजाई, और ये है क्या यूनि, आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स जो है, मतलब मैक्सिमम फंजाई में जितने हैं वो कैसे हैं, मल्टीसेल्यूलर हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है, बाकी जितना माउल ले लो, मशरूम ले लो, सारे के सारे क्या मल्टीसेल्यूलर। इतनी बातें क्लियर,
तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को यूज करके हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाइन, इथानॉल, ठीक है। इसके बाद ब्रेड, ब्रेड कैसे प्रोड्यूस होता है बताओ, ईस्ट ही है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया एग्जैक्टली, माइक्रोब्स की नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या हो, खाना बनाएगा, खाना दोगे तो खाना खाएगा, तो उसको यूज किया। तो इस पे बहुत सारे डिस्कशन चली कि भाई इसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहा जा सकता, इसको इंक्लूड किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस किस चीज पे फोकस कर रहा था, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आपका वैक्सीन प्रोडक्शन और डीएनए वैक्सीन बोल दो, डीएनए वैक्सीन भी होता है ना हेपेटाइटिस के लिए। इसके अलावा क्या कर रहा था और बताओ, क्लोनिंग तो कर ही रहे हैं हम तो, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होगा बेटा, इट्स अ पार्ट, एक टेक्निक है। इसके अलावा हम लोग जो डिफेक्टिव जीन है उसको मतलब उसके सीक्वेंस को अल्टर करके करेक्टिव जीन डाल रहे हैं, यानी करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन और जीन थेरेपी कर रहे हैं, जीएमओ बना रहे हैं, यानी जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जीएमसी भी आ जाएगा ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, क्लोनिंग करना, डीएनए वैक्सीन बनाना, वैक्सीन प्रोडक्शन, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन जो बन रहा होगा वो किसके अंडर बन रहा होगा, डॉक्टर बना रहे होंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जीन की थेरेपी, मान लो कोई मेरे बॉडी में डिफेक्टिव जीन है, वो कोई ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो मेरे बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं उसमें क्या करूंगी, करेक्ट जीन की सीक्वेंस को डालूंगी और अच्छी प्रोटीन प्रोड्यूस करूंगी। जीन थेरेपी किया, फिर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई शिप है, ठीक है, उसमें वूल प्रोडक्शन करना है, दो तरीका हो सकता है, एक मैंने शिप लिया, शिप वन और शिप टू, ये मेरा ऐसा शिप जो कि लेस क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस करता था, ये मोर क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला जो था डिजीज रेजिस्टेंट था, ये लेस डिजीज रेजिस्टेंट था, ये मिल्क प्रोड्यूस करता था, लेस मिल्क प्रोडक्शन, और ये मोर मिल्क। नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मल अगर कोई बंदा होता वो क्या करता, ये दोनों का मेटिंग करा देता, ठीक है, मेटिंग नॉर्मली भाई दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करा देता, ठीक। तो हम लोग के साथ बहुत सारे तरीके के केसेस आ सकते थे, एक मेरे को शिप ऐसा मिल सकता था जो कि सेम यही वर्जन आ सकता था, सेम यही वर्जन आ जाए, या जो उसकी कैरेक्टर्स है उसमें मिक्सिंग आ जाए, यही तीन पॉसिबिलिटीज होगी। लेकिन अभी अपने को फोकस क्या चीज पे होना था, वूल पे। मान लो मैं एक बिजनेस वुमन हूं और मुझे क्या चलाना, एक वूल की फैक्ट्री चलानी है, तो मुझे क्या चीज पे फोकस होना चाहिए था, वूल पे। लेकिन मुझे बाकी कुछ, मान लो मेरे एक ऐसे शिप मुझे मिल गया जो वूल तो अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है बट बेचारा डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, डिजीज लेस रेजिस्टेंट भी हो गया, ठीक है, लेस डिजीज रेजिस्टेंट ऐसा वाला मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, ये तो मर जाएगा तुरंत। तो मुझे क्या चीज से मतलब था, अच्छी क्वांटिटी ऑफ वूल से। तो मैं क्या करूंगी, इसके सिर्फ इसी डीएनए पे काम करूंगी, क्यों मुझे बाकी चीजों पे काम करना, मैं बस ऐसा कोशिश करूंगी, मुझे एनी हो, मान लो मैं गोट लेती हूँ, गोट में बाकी सब क्वालिटी ठीक है, मैं गोट में ऐसा जीन इंसर्ट कर दूं कि गोट प्रोड्यूस करने लगे वूल, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व ना। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए पर वर्क कर रहे होते हैं,
ठीक है। और ये नॉर्मल क्या है, ब्रीडिंग टेक्निक है, ठीक है, दिस इज अ ब्रीडिंग टेक्निक। बट इन बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे फोकस कर रहे होते हैं। इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं आ गई? अच्छा, इसके बाद डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है, पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन जरा जानू आप लोग से, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, ये बता दो। डीएनए रहता कहाँ, ये बताओ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्या हिस्टोन ही प्रोटीन होगा, होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, लेकिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मेजरली। तो ये डीएनए रहेगा कहाँ, मान लो दिस इज माय सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वी हैव न्यूक्लियोलस ओवर हियर, यहाँ पे धागे जैसी स्ट्रक्चर जिसे क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, दिस इज आवर क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर नॉर्मली, मान लो मेरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है नॉर्मल डेज, मतलब मान लो किसी दिन डिवीजन नहीं हो रही है, तो उस समय अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो मुझे क्रोमोसोम की शेप नहीं दिखेगी, ऐसे धागे वाले दिखेंगे सिर्फ, क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमैटिन फाइबर इस तरीके का एक शेप लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। जैसे सॉक्स पेयर में है, शूज पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है। तो दिस इज द टू क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है, पहले क्या थे, क्रोमैटिन फाइबर, वर्ड पकड़ो, दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर, इसने शेप लिया किसका, क्रोमोसोम्स का। ये क्रोमोसोम्स के आर्म देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं बताओ, क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, यानी बोर्ड तो पूरा भर गया, लिखोगे क्या कि पहले मैं बता ही दूं, चलो ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, क्रोमैटिन फाइबर किसका किसका शेप लिया है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये दो पेयर में हैं, किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से, ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक। तो ये दोनों क्रोमैटिड को व्हाट वी कॉल सिस्टर क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर वन, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वन दो होगा ना, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे तो दोनों हैं। तो क्रोमोसोम नंबर वन का एक, मतलब मेरे सॉक्स के एक पे एक और एक और, तो दोनों मिला के मैं पेयर बोल रही हूँ। तो ये जो एक है इसके कितने आर्म्स हैं, एक ऐसे आर्म और एक ऐसे आर्म, यही दो आर्म है, इससे बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और इसके ये आर्म और इस आर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज दिस, डीएनए, ठीक, डीएनए, इधर भी मेरा डीएनए। अब डीएनए में देखो, मान लो मैंने डीएनए की इतनी सी पार्ट ली है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन, क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन वो पार्ट होता है डीएनए का जो कि कंप्लीट प्रोटीन बना दे, ठीक है। जैसे मेरे हेयर की कलर, मेरे हेयर की कलर ब्राउन होगी या ब्लैक होगी, ठीक है, तो इसके पीछे कौन होगा, जीन या डीएनए। डीएनए कुछ नहीं, मतलब जीन कुछ नहीं है, वो समझ लो केक एंड पेस्ट्री, केक एंड पेस्ट्री, केक इज डीएनए एंड पेस्ट्री इज जीन, ठीक है। तो ये वही पार्ट है डीएनए का, इतना छोटा सा पार्ट जो कि कंप्लीट प्रोटीन बना दे,
ठीक है, यानी कि जीन को क्या बोल सकते हैं, मान लो मेरे हेयर के कलर के लिए क्या आ रही है, जीन। यानी जीन क्या है, डीएनए ही है। ये क्या कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा हेयर का कलर, डिसाइड कर रहा है हेयर का कलर ब्लैक बनेगा या ब्राउन बनेगा, ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये डीएनए से बनता है बेटा पहले एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हो ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, सिर्फ इस डीएनए से ही हम लोग खेल रहे होते हैं। ठीक, मेरे बॉडी में मान लो आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स और मेरे हेयर ब्लैक नहीं रह गया, वो ब्लैक नहीं बन रहे हैं, कुछ और ही कलर के बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना होगा। तो क्या किया जाएगा, मेरे बॉडी के अंदर करेक्टिव जीन डालना पड़ेगा। वो पहले क्या कर रहा था, मान लो ये मेरा डिफेक्टिव जीन है, ये डिफेक्टिव है, ये मेरे हेयर को से पर्पल कलर कर दे रहा था किसी कारण से। अब मुझे हेयर को क्या करना है, ब्लैक करना है। तो मैं क्या करूंगी, करेक्ट जीन को डालूंगी। जीन क्या करेगा भाई, ऑर्डर देगा, चलो बनाओ क्या चीज का, ब्लैक कलर का ही मेरे को हेयर का कलर चाहिए, तो वो ब्लैक कलर दिखाएगा। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बेसिकली एक्सप्रेशन का काम करता है। प्रोटीन क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन का। डीएनए क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, डीएनए अगर एक कंपनी के हिसाब से सोचो तो डीएनए क्या है, मालिक है, और प्रोटीन क्या है, लेबरर है जो कि मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, डीएनए से। डीएनए जीन एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, ईएफबी कौन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बोला कि मैं कन्वेंशनल प्लस मॉडर्न दोनों बायोटेक्नोलॉजी को इंक्लूड करूंगा, तभी मैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को कहूंगा। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट तभी होती है जब आप कन्वेंशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलो लिखते हैं। देखो भाई, मेरे क्लास में एनसीईआरटी मस्ट है, सो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी लेके आइएगा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो नोट करो, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, और एंजाइम, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। नेक्स्ट लिखो, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स कर्ड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, वाइन मेकिंग, और कैन से इट इंक्लूड्स ऑल द माइक्रोबियल मेडिएटेड प्रोसेसेस। ठीक है, हाउएवर
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस दैट इज प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सेंस दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन लार्ज स्केल कॉमा IVF, tell me the full form of IVF. In vitro fertilization, likho. In vitro fertilization. अच्छा एक बात बताइए, जो normal body में fertilization होती है वो in vivo है या in vitro? In vivo. जब और जब lab condition में वैसा ही मतलब वैसा ही कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन विट्रो. ठीक है, इन विट्रो वर्ड केवल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है. इन विट्रो इज अ कंडीशन. जब हम लोग वैसा कंडीशन क्या लैब में जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन विट्रो काम कर रहा. बॉडी के अंदर डायरेक्ट काम करोगे तो इन विवो. ठीक है, फिर कॉमा करो. प्रोडक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन कॉमा करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन ठीक है. नेक्स्ट लिखो ईएफबी. सबको पता होना चाहिए ईएफबी का फुल फॉर्म. नहीं पता है, ब्रैकेट के अंदर लिख लो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. encompasses both traditional and modern biotechnology according to EFB the definition of biotechnology is according to EFB the definition of model definition of biotechnology is under inverted comma likhoge the integration of natural science the integration of natural science and organism comma cells parts thereof and molecular analogs for product and services. ठीक है, क्या बोल रहा है? ईएफबी की डेफिनेशन समझो. बोल रहा है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस यानी कि नेचुरल फिजियोलॉजी, इसको इंटीग्रेट कर देना. एंड ऑर्गेनिज्म ले लो, उसका सेल ले लो, ठीक है, उसके किसी पार्ट्स को ले लो. एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स, और उसके मॉलिकुलर स्टडी करना है ताकि उससे हम लोग क्या बना पाए? प्रोडक्ट्स या सर्विसेस.
किसी चीज का नेचुरल साइंस पढ़ेंगे तभी तो हम लोग उस पे वर्क कर पाएंगे। जैसे हम लोग को पता होना चाहिए ना डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तब तो जाके हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग लिखो कर्ड के लिए जो जो मैंने बताया था, कर्ड लिख के डैश डालो, लिख लो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल है कर्ड के लिए। वाइन के लिए लिख लो सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस स्पेलिंग नहीं है, SACCHA, रुको रुको मैं लिख दे रही हूँ, वेयर इज, नहीं है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रेड के लिए लिख लो, पता ही है, ठीक है। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या बोल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें IVF भी होगा, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, अच्छा एक बात बताओ, इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं बताओ? नया चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, पुराने चीजों को ठीक करते हैं जो खराब है, तो हमने क्या कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करेंगे, जीन मैन्युपुलेशन, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन, यानी जीन में चेंजेस लाएंगे। मैनिपुलेट करना मतलब पता है ना, चेंज करना, जीन तो पता है क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म कंप्लीट प्रोटीन, लिख लू स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म कंप्लीट प्रोटीन, और इसमें हमने क्या करना, मैनिपुलेशन यानी चेंज करना, ठीक है, या फिर मैं ऑल्टरेशन भी बोल सकती हूँ। जब कपड़े ऑल्टर कराने जाते हो तो क्या करते हो, पूरे कपड़े तो नहीं चेंज कर देते हो ना, क्या करते हो, कुछ चीजों को ऐड करना होता है, कुछ हटाना होता है, यही करते हैं हम लोग। तो हम लोग कंप्लीट डीएनए को तो नहीं चेंज कर सकते हो, उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, एडिशन या फिर डिलीशन या इंसर्शन बोल सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, जीन मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, जीन को मैनिपुलेट करना, जीन को चेंज कर दो, ऑल्टर कर दो, कैसे करो, कुछ नए चीज को ऐड कर दो, कुछ चीजों को हटा दो, यही करेंगे। तो लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू ऑल्टर द, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल and then to introduce these into host organism and thus changes the
फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? बताइए फिनोटाइप क्या है. देखो फिनोटाइप एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर, ठीक है. तो अब जीन, पहले मेरे पर्पल बाल हुआ करते थे, ठीक है. आपने क्या किया, मेरे जीन में चेंज कर दिया, तो मेरे कैसे बाल हो गए, ब्लैक. तो मेरी, जब आपने मेरे डीएनए पे वर्क किया तो क्या हो गया, मेरे, आपने मेरे डीएनए पे वर्क किया यानी उसमें कोई नया प्रोटीन प्रोड्यूस किया, नया प्रोटीन मेरे पर्पल बाल को ब्लैक बाल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. यानी आपने किस चीज, किस लेवल पे खेला, जेनेटिक लेवल पे खेला और उसका इफेक्ट कहाँ दिखा, आपके बॉडी लेवल पे देखा, ठीक है. यानी कि आपने जीन को चेंज किया जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर चेंज हो गई. जिस भी जीन को चेंज कर लो, मान लो कोई बंदा है जिसके बॉडी में इंसुलिन नहीं वर्क कर रहा, ठीक है. ये लॉन्ग थोड़ा समझना पड़ेगा, इंसुलिन खराब हो गई तो क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं. मान लो मैंने क्या किया कि उसके इंसुलिन के जीन को ही बदल दिया, सही जीन डाल दिया उसके बॉडी में. ऐसे भी एक टेक्निक हो सकती है, ठीक. उसके बॉडी में मैंने सही, पहले क्या हुआ, बंदा किससे सफ़र कर रहा था, डायबिटीज़ से. डायबिटीज़ के कारण कैसा हो जाता पर्सन, लिनन, ठीक है ना, देखा है ना, जो डायबिटिक हो जाते कैसे होते, पतले हो जाते. तो आपके उसके इंसुलिन में आपने चेंज कर दिया, इंसुलिन के मैक यानी कि करेक्ट जीन को डाल दिया. करेक्ट जीन के कारण क्या हुआ, उसकी बॉडी में जो नॉर्मल फेनोमिनन थी वैसे होने लगी, धीरे धीरे उसकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करने लगी. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली जीन लेवल या डीएनए लेवल पे चेंजेस लाते हैं और उसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स पे. क्लियर है. अब दूसरी बात क्या है, हम लोग को माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस क्रिएट करना है, ठीक है. और जैसे कि जो फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सुना है, कौन सा था, पेनिसिलिन कैसे मैन्युफैक्चर हुआ था, कहानी तो पता होगा, कौन सा फंगस था, पेनिसिलियम नोटाटम. तो मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, ये सेरेंडिपिटी था. सेरेंडिपिटी समझ में आता, जो डिस्कवरी बाय चांस हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज़, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो करके चले गए घर. क्या हुआ कि नॉर्मली, हाँ, जब क्या होता है, अगर आप नॉर्मली एक बैक्टीरिया के लिए प्लेट लगा के चले गए तो हम लोग ऐसे ब्रेड भी रख देते तो क्या फंगस लग जाती है ना स्पोर्स. तो किसी कारण से इसमें फंगस कोई लग गया, तो यहाँ पूरा बैक्टीरिया पहले ग्रो किया हुआ था. फंगस के कारण क्या हुआ, जहाँ तक फंगस था वहाँ दूर दूर तक बैक्टीरिया का नामो निशान खत्म हो चुका था, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये जो फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, वो कुछ तो ऐसा जहर उगल रहा था जो कि बैक्टीरिया को मार रहा था. उस जहर का नाम बाद में क्या पड़ा, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे अगर मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कैन आई अफोर्ड बैक्टीरिया ओवर हियर, मैं तो यही चाहूंगी ना. मुझे बैक्टीरिया को भी तो खाना देना पड़ेगा, मुझे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सिर्फ फंगस हो और फंगस अपना प्रोडक्ट निकाले, एंटीबायोटिक. मैं तो यही चाहूंगी बींग बिजनेस वुमेन की भाई बैक्टीरिया मैंने ग्रो करूंगी, क्यों खाना खा रहा है मेरा फालतू का अगर इसे भी दो क्यों मैं ग्रो कराऊं, मैं फंगस को ही डायरेक्टली निपटा लेती हूँ. कहते हो भाई फंगस तो ही प्रोड्यूस कर दे एंटीबायोटिक, ठीक है. तो उसी को कहते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट. मान लो मैं बायोटेक्नोलॉजी पे कोई भी रिसर्च करूं और उस पर कोई अनवांटेड माइक्रोब्स का इंटरफेरेंस रहेगा तो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो ना मिलके कुछ और मिल जाएगा, ठीक है. तो इसलिए सेकेंड ये था, मतलब जो प्रिंसिपल, जो सेकेंड प्रिंसिपल थी वो ये इंक्लूड कर रही थी कि हमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, और अनवांटेड माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो. चलो डिजायर माइक्रोब्स की ग्रोथ लिखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल
मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल ब्रैकेट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली, टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। देखो इसका बेस्ट अभी एग्जाम्पल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो होंगे वो क्या कोरोना की वैक्सीन डिस्कवर कर रहे होंगे? ठीक, कोरोना की वैक्सीन डिस्कवर करने के लिए कोरोना वायरस का होना जरूरी है। अगर कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं होगा तो देर इज पॉसिबिलिटी दैट कोई और भी वायरस हो जाए, और हमें निकालना था वैक्सीन कोरोना के लिए और निकल जाए किसी और वायरस के लिए, हो सकता है ना? तो इसीलिए हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में बहुत माइन्यूट लेवल पे वर्क होता है, नैनो लेवल पे वर्क होता है, और जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग कुछ इसमें से बातें लिखनी है, डीएनए वगैरह क्या आता है सबको? आता है सिस्टर नॉन सिस्टर एवरीथिंग इज? नहीं आता तो बोलो और लिखो। एक काम करो, आप लोग नोट करके किनारे कहीं लिख लो, कहीं किनारे इफ नेसेसरी, जिसको लगता है लिखना चाहिए वो लिख लो, जिसको नहीं आता है, बिकॉज एक को आए एक को ना आए मैं बार बार डीएनए जीन बोलते जाऊं और आप समझ ही ना पाओ मेरी बात। कहां से शुरू करना? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसा स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। हमेशा याद रखना सर, जब इंटरफेज में होता है, इंटरफेज समझ में आता है, प्रिपरेशन में, उस समय आपको क्रोमोसोम दिखेगा या क्रोमैटिन फाइबर? क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन सेल जब एम फेज में जाता है उस समय क्रोमोसोम्स दिखते, क्रोमैटिन फाइबर क्या होगा? ये कंडेंस करेगा सेल डिवीजन के टाइम और शेप लेगा क्रोमोसोम्स का, दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपस में किससे कनेक्टेड है? सेंट्रोमियर से। ये क्या है? डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहां से मैं बोल सकती हूँ दिस इज जीन, जीन आई नीड मार्कर। स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, ऐसे इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको जेनेटिक्स में ही पढ़ना, बट स्टिल सिस्टर क्रोमैटिड
ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए जिसके जीन, मतलब जिसके जीन को हमने मैनिपुलेट किया। एग्जैक्टली क्या किया कि हमने मैनिपुलेट कर दिया, उसे चेंज कर दिया। व्हाटएवर, मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और इसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है? तो मुझे जो ऑप्टेन हुआ वो मुझे क्या मिला? आर डीएनए। आर डीएनए इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब चलो देखो, एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं, लेकिन थोड़ी वेग तरीके से दी गई हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशली, जो पहले बतानी चाहिए थी वो बाद में बताया, लेकिन हम लोग वेगनेस को अवॉइड करते हुए एक सरसरे से पढ़ेंगे। जैसे डीएनए अगर हम लोगों को करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि डीएनए को निकालना कैसे है। ये सब बातें दी हुई है तो मैं वैसे ही आप लोग को लेके चलती हूँ, ठीक है? तो देखो, हमने अभी करना है डीएनए आइसोलेशन। क्या करना है? डीएनए आइसोलेशन। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? नया बच्चा सब, कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछो। एनीवन, आप आपको तो आएगा ही, हम आप लोग नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हम डीएनए कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? एनिमल से, एनिमल सेल से, और प्लांट सेल से, और फंगस से ऑप्टेन कर सकते हो, बैक्टीरिया से भी ऑप्टेन कर सकते हो। चलो बैक्टीरियल सेल भी डाल दो, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, ठीक है? तो एनिमल सेल, दिस इज द एनिमल सेल, ठीक। क्या होगा इसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स के पास क्या होगा? सेल वॉल प्लस, इसके बाद तो सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है? फंगस, इस पे मैं बात करूंगी अभी। तो एक बात बताओ, और जो भी आपका सेल होगा क्या क्या चीज का बना होगा? एक नॉर्मल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ये बना होता है, तो मैं लिख दूं लिपिड का बना हो सकता है, प्रोटीन का बना हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड का बना हो सकता है, मेजरली यही सब चीज होगा। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए, ठीक। इनके पास एडिशनल क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, एडिशनल यही होगा ना, बाकी सब चीज तो सेम होगा। इनके पास एडिशनल क्या होगा? फंगल सेल क्या चीज का बना होता है? काइटिन। अच्छा चलो, काइटिन के बारे में बोल ही दिया, तो एक बात बताओ, काइटिन में, काइटिन का मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन बताओ, मतलब काइटिन की मोनोमर्स बताओ। मोनोमर्स, काइटिन तो पॉलीमर है, ये तो क्लियर है। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है ये, कि क्या चीज है काइटिन? क्या चीज का बना होता है? कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, ठीक है? तो ये काइटिन बना होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का, बायोटेक बायोमोलिक्यूल सही है। कैसा होता है? होमोपॉलीमर, मतलब कि होमोपॉलीमर हाइड्रोपॉलीमर जान रहे हो? जैसे ऐसा समझो कि स्टार्च, स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है ना, ग्लूकोज के 200 मॉलिक्यूल लगा दो, क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारा मॉलिक्यूल्स मेरा होमोपॉलीमर का बन सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है ना, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज, या कुछ भी और ले लो। तो होमोपॉलीमर यानी कि एक ही एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन मोनोमर का पूरा बना, क्या है? काइटिन, ठीक। काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है?
फंगस में, और फंगस के साथ साथ आर्थ्रोपोड्स जानते हो, आर्थ्रोपोड्स जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट के जो एक्सोस्केलेटन्स होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, डीएनए निकालना है। डीएनए कहाँ छुपा हुआ है बोलो, डीएनए छुपा हुआ अभी जस्ट बताया, न्यूक्लियस के अंदर कहीं। तो मुझे ये सब वॉल तो तोड़ना पड़ेगा ऑप्टेन करने के लिए। तो एनिमल सेल को ऑप्टेन करने के लिए मुझे क्या क्या यूज करना पड़ सकता है, लाइपेज करना पड़ सकता है, प्रोटीएज करना पड़ सकता है, न्यूक्लियस करना पड़ सकता है। लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को, प्रोटीएज प्रोटीन को, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को। लेकिन न्यूक्लियस में कौन सा, बस आरएनएज, क्योंकि डीएनए को अगर हमने डीएनएज डाल दिया, आपको पता होना चाहिए किसी की चीज, किसी के लास्ट में एज लगा दो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक करता है। तो न्यूक्लियस में कौन सा, आरएनएज, क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए डीएनए। तो यहां तक तोड़ दो तो लास्ट में मुझे डीएनए मिलेगा ना, तो ये आरएनएज किसको करेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। ठीक है, एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल के लिए सब कुछ यही रहेगा, लेकिन एडिशनल में क्या होगा, सेल्यूलेज। ठीक है, सेल्यूलेज किसको तोड़ेगा, सेल्यूलोज को। फंगल सेल के लिए काइटिनेज, काइटिनेज किसको तोड़ेगा, काइटिन को। बाकी ये सब डाल सकते हो, एडिशनल मैं मटेरियल बता रही हूँ क्या डालना। अब ये भी देख लेना कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बना हुआ भी की है कि नहीं, ये सब चीज का। ठीक है, बैक्टीरिया बताओ, तो बैक्टीरियल सेल बस बता देती हूँ, आपकी आंसू में वो चीज होता है, टेल मी द नेम, वेरी गुड, लाइसोजाइम। आपको पता है ना, बोला जाता है रो गुड फॉर आइज, क्यों, लाइसोजाइम क्या ब्रेक कर देता है, जाइम, लाइजो जाइम, ये लाइजोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है, ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, लिख लो ये बात, सेम ऐसे ही उतार लीजिए कॉपी में, समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिल गया। हम लोग क्या कर रहे थे, मान लो दिस इज टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर अपना एनिमल सेल डाल दिया, ठीक है, एनिमल सेल, और फिर वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। अच्छा, जीन ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ड सुन लो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने क्या कर रहे हैं, डीएनए आइसोलेशन। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है जिसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, जिस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, या जिससे को हम लोग ऑप्टेन करना चाह रहे हैं, वो क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एनिमल सेल के में हम लोगों ने क्या डाल दिया था, लाइपेज डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया, और आरएनएज डाल दिया, इस तरीके से डाल दिया। तो ये मेरे सेल को पूरा तोड़ देगा ना, तो ये सारे मेरे सेल्स कुछ इस तरीके से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, साथ में यहाँ वाला डीएनए भी होगा, ये देखो ये डीएनए भी है। अब इस डीएनए को हम लोग को प्रेसिपिटेट आउट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, चील्ड अल्कोहल डाल देते हैं, चील्ड बियर तो सबने सुना होगा, बट बियर मत डालना। तो हमने क्या किया, चील्ड अल्कोहल डाल दिया, तो सेल्यूलर डेब्रीज नीचे रह गया,
और डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ठीक, ये इतना सिंपल है ना, बस देखते जाओ, इतना काम कर लिया। अब एक चम्मच लो, एग्जैक्टली चम्मच नहीं तो रॉड रहता है, ठीक है, एक रॉड। नेक्स्ट स्टेप, ये आपने रॉड डाला और घुमाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये डीएनए इसमें पूरा लपेट आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? स्पूलिंग। क्या बोला? स्पूलिंग। तो स्पूलिंग में क्या किया कि रॉड लिया, डीएनए को हमने रोटेट करके निकाल लिया। स्पूलिंग के बाद क्या करना, हमें डीएनए को रन कराना पड़ेगा, ठीक है, डीएनए को देखने के लिए। क्योंकि मान लो मेरा जो डीएनए होगा उसका कोई पर्टिकुलरली लेंथ होगा इस तरीके से, ठीक, तो हम लोग को डीएनए को रन कराना। तो पहले ये टेक्निक लिख लो, सेकेंड स्टेप लिखो। चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिड यू गेट दैट? मिला? चलो देखो क्या लिख रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन सीक्वेंस, सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट मिला या नहीं? कि स्टिल स्ट्रगलिंग टू ओपन द फाइल। व्हाट्स योर नेम? डिड यू गेट द फाइल? हो गया? हाँ, पेज नंबर 201 मिला, पेज नंबर 201 बोल रही हूँ मानसी, मिल गया। चलो देखो, बोल रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। मान लो आपको इंसुलिन के डीएनए की सीक्वेंस करनी है, तो सबसे पहले इंसुलिन की जीन निकालोगे ना, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे। तो इंसुलिन की जीन क्या मेरा पैंक्रियास काट के निकालोगे? अगर आपको मैम मेरे चिक या फिर यहां से सेल निकाल के दूं तो इंसुलिन की मिलेगी कि नहीं जीन? मिलेगी? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि इंसुलिन के डीएनए को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पैंक्रियास काट के जीन निकालना होगा। आपके बॉडी के हर सेल में डीएनए है, चिक का सेल ले लो, ईयर का ले लो, कहीं से भी सेल निकाल लो, यू विल फाइंड दैट। तो फिर बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं बनता है इंसुलिन? क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन पॉइंट कहाँ है? पैंक्रियाज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आपने जीन को निकाल देना है। फिर क्या करना है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी मैं फर्स्ट स्टेप सिखाई हूँ, डीएनए को आइसोलेट करना। फिर क्या करना है? डीएनए को चॉप चॉप करना है, ठीक है। कैसे? कैंची से काट दोगे क्या? उसके लिए स्पेशल कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं डीएनए को। फिर क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर। क्या किया? डीएनए निकाला, डीएनए को टुकड़े टुकड़े में काट दिया, उसके बाद हम लोग को डीएनए की फ्रैगमेंट्स मिली, फिर उस फ्रैगमेंट को हमने कहाँ डाला? वेक्टर के अंदर। वेक्टर समझ में आता है? जैसे प्लाज्मिड एक वेक्टर है, ठीक है, मतलब मेरे उस डीएनए की कॉपी बनानी होगी। कॉपी बनाओगे ना, तो कॉपी बनाने के लिए क्या करना होगा? मान लो दिस इज द डीएनए, ठीक है, जो कि छुपा हुआ था कहीं। आप डीएनए को आइसोलेट किए, आइसोलेट डीएनए कहां से? चिक सेल से कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये डीएनए को क्या किया? छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ दिया। किसके हेल्प से? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक नहीं सीजर है, 900 से हजार, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नोन है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना? इस मॉलिक्यूलर सीजर से काटने के बाद हमें डिजायर्ड जीन की फ्रैगमेंट मिल जाएगी, फ्रैगमेंट ऑफ डिजायर जीन। इसके बाद बेटा इस वेक्टर को डालने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म में हम चाहते हैं, ऐसे हम लोग क्या है, मान लो बैक्टीरिया में हम चाहते हैं वो ग्रो करे। क्यों? बैक्टीरिया के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी, उसके पास प्लाज्मिड भी है और 20 मिनट में डिवाइड भी कर जाता है, तो मेरे डीएनए की कॉपी जल्दी से मिल जाएगी।
इसमें मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होता है, मलेरिया का मच्छर, मच्छर यू नो मॉस्किटो, मॉस्किटो हमारे बॉडी में काटता है कि क्या अंदर डालता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को अंदर आने के लिए हमारे बॉडी में किसकी जरूरत पड़ी, मच्छर की। तो मच्छर इज वॉट, वेक्टर। तो वैसे ही हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी अपने डिजायर्ड जीन को ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए, जहां वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका। नेक्स्ट इज योर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर। डीएनए का जो टुकड़ा है वो वेक्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा, नहीं चिपकाना पड़ेगा। फेविकॉल से नहीं चिपका सकते हो। क्या चाहिए होगा, बोलो। डीएनए लाइगेज, सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना हम लोग, उस पर हम लोग पूरा डीएनए आइसोलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे एक बड़ा सा पेपर मिला जिसमें मेरे व्हीकल का फोटो है, काटते थे ना बचपन में चिपकाने के लिए, कैंची नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, मॉलिकुलर सीजर। मॉलिकुलर सीजर को फिर कहाँ चिपकाना है, किसी प्रोजेक्ट चार्ट पे, यानी वो क्या है आपका, वेक्टर में लाइगेट करना है। क्या चाहिए होगा, एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, कटिंग द होस्ट सेल। अभी होस्ट सेल के बॉडी के अंदर डालना है। होस्ट सेल कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ना मेरा होस्ट सेल जिसमें मैं डालना चाहती हूँ, वहां पे भी तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके डीएनए में जाकर जोड़ना है मुझे। अगेन वहां पे मुझे क्या बोल, नॉर्मल सीजन नहीं चलेगी, अगेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां भी चलेगी। वो क्यों होगा, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। काटूंगी फिर क्या करूंगी, डाल दूंगी, ठीक है। फिर देखो क्या लिख रहा, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट अ लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड। मतलब हमने क्या किया, डीएनए लिया, डीएनए को काटा, वेक्टर के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर, मतलब जो भी होस्ट सेल हो उसमें अपने डिजायर्ड जीन को डाला। इसके बाद एक मुझे क्या करना है, मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालकिन हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बड़े स्केल में ग्रो कराना है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सुना है, बड़े स्केल में मुझे ग्रो कराना है। तो बड़े स्केल में मुझे ग्रो कराने के लिए बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे, वेसल्स। तो उसमें ग्रो कराया, उसके बाद फिर मुझे क्या मिला, मुझे मेरे डिजायर जीन की फ्रैगमेंट मिल गई। मैंने मान लो यहाँ से मैंने क्या किया है, इंसुलिन लिया है, ठीक, इंसुलिन का जीन मुझे मिल चुका है। मैं बैक्टीरिया को मारूंगी, शीशी में इंसुलिन निकालूंगी, भरूंगी, बेचूंगी, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट स्टेप सीखा, डेट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे करना पता है, सेल को खोल दो। खोलने के लिए क्या चाहिए होगा, खोलने के लिए यहाँ पे एंजाइम चाहिए होगा। एंजाइम्स कौन कौन से है, सेल्यूलेज है, तो लाइपेज है, प्रोटीएज है, डीएनएज है, आरएनएज है, पर भाई डीएनएज मत यूज करना, डीएनए को यूज किया तो खत्म हो जाएगा। डाला, फिर क्या किया, उस वो जो वहां से मुझे मेरा डीएनए निकालना है, डीएनए निकालने के लिए चीला अल्कोहल डाल दिया, ऊपर आ गया डीएनए, चम्मच लिया, घुमा दिया, डेट इज रॉड, और उसमें पूरा डीएनए उसमें लपेट आ गया। तो आप क्या बोले, स्पूलिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप कल सीख, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, फ्रैगमेंट ऑफ डिजायर्ड जीन, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वास्ट टॉपिक, तो उसको आराम से करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।